इंद्री में जाट रक्षण संघर्ष समिति के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे जाटों के तेवर तेज होते जा रहे हैं और 20 मार्च को दिल्ली कूच को लेकर उन्होंने अपनी रणनीति को आखिरी रूप दे दिया है। धरने के 18वें दिन आज इंद्री के गांव गढ़ी गुजरान में धरने पर बैठे जाटों ने हरियाणा सरकार द्वारा कल होने वाली मीटिंग को रद्द करने को लेकर रोष है। धरने पर बैठे हल्के के जाटों का कहना है कि सरकार उनके सब्र का इम्तिहान ले रही है। 2-3 बार बातचीत का प्रयास किया गया लेकिन कोई भी बात सिरे नहीं चढ़ पा रही है। जाट नेताओं का कहना है कि अब हमारे सब्र का पैमाना भर चुका है और हम अपने हकों को लेकर ही रहेंगे। अब सरकार से कोई बातचीत नहीं की जाएगी। जाट नेता रामपाल चहल ने कहा कि 20 मार्च को दिल्ली कूच के लिए हल्के से सैकड़ों की संख्या में लोग जाएंगे, 19 शाम को ही हम लोग कूच कर जाएंगे। चहल ने बताया कि हमारा सारा कार्यक्रम शांतिपूर्वक तरीके से होगा और अगर रास्ते में हमें कहीं भी पुलिस ने रोका तो हमसे टकराने की कोशिश की तो हम लोग वहीं पर ही धरना लगाकर बैठ जाएंगे। ये पूरा धरना भी जारी रहेगा। हमारा मकसद संसद भवन तक पहुंचना है। उन्होंने कहा कि हम पूरी दिल्ली को घेर लेंगे। इंद्री से जाट टीवी न्यूज के लिए विजय कंबोज की रिपोर्ट। मीडिया में अखबार में तो दे रहे लेकिन हमारे पास कोई न्योता नहीं है, हमारे लीडर के पास कोई न्योता नहीं है। अभी आज बातचीत कर लो, तैयारियां कर ली, ट्रैक्टर ट्रॉलियों की रजिस्ट्रेशन होगी, ट्रैक्टरों के टैंकों में डीजल भरवा लिया और 19 शाम को ही दिल्ली के लिए निकल जाएंगे और दिल्ली को गिरेंगे। कितने ट्रैक्टर ट्रालियां जाने की संभावना है? हमारे यहाँ से 20-21 ट्रैक्टर जाएंगे। सरकार की आँख खुल जाएगी, वो कैसे संभालेगी? पूरी दिल्ली को घेर लेंगे और उसके सारे रास्ते जाम हो जाएंगे। हमारी मनसा जाम करने की नहीं है लेकिन इतनी जब ट्रैफिक जाएगी तो व्यवस्था अव्यवस्था हो जाएगी। सारा ट्रैक्टर ट्राली है। जे सरकार हमारे को अपने ट्रैक्टर ट्राली में भी नहीं बैठने देगी तो क्या है, किस चीज में बैठेंगे?